मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरी बधाई, परमेश्वर की स्तुति हो। इस अद्भुत से आशीष भरे नवंबर 8वें तारीख के लिए परमेश्वर की महिमा करता हूँ। नवंबर 8वां तारीख, बहुत सारे लोग जो है देख नहीं पाए, इस दुनिया से गुजर चुके हैं, उन सब से आप और मैं बहुत पवित्र लोग नहीं कह सकते, पर परमेश्वर की दया का हाथ हमारे साथ था। आमेन, परमेश्वर की स्तुति हो। इन दिनों में परमेश्वर के लोगों, एक बात को आपको गौर से देखना जरूरी है कि मनुष्य जो है बहुत सारी ऐसी चीजें जो है चंगा नहीं कर सकता, समझ नहीं पाता उन समस्याओं को, जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें हैं, इन चीजों के बीच में हम गुजर रहे हैं। आज हमें आवश्यक एक आशीष है जिसके बारे में बात करने वाला हूं, उसके आधार पर जो है पहले कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय 10वां वचन, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, सामर्थ्य करने की शक्ति, वह शक्ति जो है एक वह शक्ति या सामर्थ्य या पावर वो कहां से मिलती है? अभिषेक से हमें मिलती है। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है और उसी के अंदर ये अनुग्रह है। तो आपको ये बात सोचना चाहिए कि इन दिनों में हे प्रभु, इस अद्भुतों को करने का अनुग्रह मेरे पास हो तो मेरा पूरा जीवन ही जो है अद्भुत सा बदल जाएगा। दूसरों को मैं अद्भुत भरे परमेश्वर को प्रकट कर सकता हूं, मेरा पूरा जीवन ही जो है अद्भुत बनकर रहेगा, है ना? ऐसा आप कहोगे, कितना बड़ा आशीष है ये। इस अनुग्रह को तुम पाओ, ये परमेश्वर की चाहत है। तो तुम्हारा हृदय कैसा होना चाहिए कि हे प्रभु, ये अनुग्रह मुझे दो, ये अनुग्रह मुझे दो। अभिषेक पाए हुए मेरे परमेश्वर के भाइयों बहनों, आत्मा में भरकर जब तुम प्रार्थना करते हो तो कहिए कि हे प्रभु, अद्भुत होने चाहिए, अद्भुत होने चाहिए, अद्भुत। और चिन्हों के द्वारा परमेश्वर अपने वचन को साबित करता है। जब परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में लोगों को कहते हो तो वो वर्कआउट नहीं होता। जब आप प्रार्थना करोगे तो वहां पर एक सामर्थ्य प्रकट होगा और तब लोग जो है परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। आज इन आखिरी दिनों में इस अनुग्रह को परमेश्वर से पूछना चाहिए, हे प्रभु, मैं अभिषेक पाया हूं, आत्मा में भरता हूं, शक्ति मुझे दे कि मैं अद्भुतों को करूं, सामर्थ्य मुझे दे। बहुत सारे लोग जो है अस्पतालों में अपने जीवन के लिए समस्याओं में, गरीबी में बहुत बुरी तरह से झेल रहे हैं, पर तुमने मुझे आशीष रूप में बदल दिया है। सो परमेश्वर से पूछिए तो वह अनुग्रह आपको परमेश्वर निश्चय रूप से आपको देगा। आमेन। सोच सकते हो कि मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ, छोटे से घर में काम करता हूँ, छोटा सा एक अध्यापक हूँ, थोड़ी सी आमदनी है, ऐसा ही आप सोच रहे होंगे। पर मैं कहता हूँ आपको, प्रेरितों के काम 6 अध्याय में जब कलीसिया में जो है समस्या आई तो खाना परोसने के लिए जो है स्तिफनोस नामक एक व्यक्ति को चुनता है। किस काम के लिए? खाना बांटने के लिए। बाइबल कहता है कि उसके अंदर जो है अद्भुतों को करने वाली सामर्थ आ गई, अभिषेक में भरा रहा। बस तो आपके धंधे में, आपके व्यापार में, आपकी आमदनी में, आपका परिवार साधारण सा परिवार हो सकता है, पर अभिषेक ही जो है सामर्थ लेकर आ सकता है। उस अनुग्रह का भी मांगिए, परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। हे प्रभु, पिता परमेश्वर, तेरे बच्चों के साथ मिलकर मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे बच्चों के साथ मिलकर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे बच्चों को जो है अद्भुत करने लायक सामर्थ्य से भरपूर कर। स्तिफनस विश्वास में और सामर्थ्य में प्रतिदिन जो है आत्मा में भर कर बहुत बड़े काम उसने किए। प्रेरितों के काम 6:8 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लोग भरे रहे, प्रतिदिन जो है हमारा घर अद्भुतों से भरा दिख पड़े। मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरे व्यापार, मेरी सेवकाई डिपार्टमेंट, मेरे ऑफिस, स्कूल, सभी चीजों में अद्भुत होते रहे, ऐसे लोग कहने लगे। इन आखिरी दिनों में उन्हें ऐसा उपयोग कर। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। प्रेज़ गॉड। बिना भूले दूसरों को जरूर इसे शेयर करें, हिंदी में जो लोग सुनते हैं, जो हिंदी भाषा बोलते हैं, शेयर करते करते
उसके बाद शाम के समय में फोन करके पूछिए कि तुमने सुना कि नहीं, परमेश्वर ने आपसे बात किया कि नहीं, आप उनसे पूछिए। ओके, परमेश्वर का राज्य बनता रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।